छह वर्षों से दलित पूर्व सरपंच भटक रहा, खा रहा दर दर की ठोकर, नहीं हो रही सुनवाई। पोहरी जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर, ऐसा ही मामला पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत कनाखेड़ी के पूर्व दलित सरपंच लक्ष्मी परिहार ने सभी अधिकारियों के सामने आवेदन के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई, खोली भ्रष्टाचार की पोल। जानकारी के अनुसार पोहरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कनाखेड़ी में पूर्व सरपंच लक्ष्मी परिहार के कार्यकाल में फर्जी हस्ताक्षर करके निकाले सचिव प्रीतम वर्मा ने लाखों रुपए। पूर्व सरपंच ने बताया, ग्राम पंचायत में धरातल पर बिना कार्य किए विद्यालय की बाउंड्री वॉल, पानी की टंकी, अतरोवा में पानी की टंकी, इन कार्यों का काम आज दिनांक तक धरातल पर हुआ ही नहीं। इन सब का रुपया सचिव ने फर्जी हस्ताक्षर करके निकाल लिए थे। जब इसकी सूचना दलित सरपंच को मिली, तब सरपंच परिहार ने पोहरी थाने जनसुनवाई शिवपुरी जिला पंचायत सीईओ शिवपुरी जनपद पंचायत पोहरी को आवेदन के माध्यम से अवगत भी कराया, लेकिन आज दिनांक तक जांच नहीं हुई। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जब पंचायत सीईओ ने जांच के लिए जनपद पंचायत सीईओ को पत्र भी लिखा, उसके बावजूद भी जनपद पंचायत सीईओ पोहरी ने ना कोई जांच कमेटी बनाई, ना कोई जांच हुई। पूर्व सरपंच ने बताया कि मामले ले देखे फाइल बंद कर दी। वहीं दलित पूर्व सरपंच छह वर्षों से लगातार भटक रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? कनाखेड़ी के साथ। तो आप पूर्व सरपंच हो वहाँ के? पूर्व सरपंच साहब। तो आपके साथ जो मामला आया, जो आपकी पंचायत है, क्या कुछ मामला आया जी? साहब कोई गबन है, मुझे निकाल दिया साहब। कितने रुपए का गबन निकाला है आपने? 1,38,000। तो क्यों निकाला है? ये निकाला है साहब, मैंने शिकायत भी कर दी, मेरी कोई सुन भी नहीं रहा। कब की थी शिकायत? कितने साल हो गए? क्या हुई, 2017 में मैंने शिकायत करी साहब, जन सुनवाई करी, थाने में भी करी, मेरी कोई सुनता भी नहीं है। मैंने लोगों मेरे काम की जांच हो जाए, जांच होने में अगर मैं दोषी हूँ तो साथ क्या मैं अपने शरीर को भी इसके जमा कर सकता हूँ। तो ये पैसे किसने निकाल लिए फिर आपकी? जी साहब प्रीतम सेक्रेटरी ने निकाला है पैसा पूरा। तो आपके साइन भी तो होते होंगे उस पर? नहीं साहब, वो DSC थी, DSC से साइन करते था, फर्जी साइन करता मेरे वो। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की कर दी? मैंने जिला कलेक्टर साहब में कर दी, CP जिला CO में कर दी, मैंने थाने में भी लगा दी, मैंने उसकी जनपद पंचायत में लगा दी मैंने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। क्या कहते थे आपसे? क्या होगा तुम्हारा, तुमने निकाले? मैंने साहब मैंने नहीं निकाला पैसा, प्रीतम सेक्रेटरी ने निकाला है पूरा। जो इस बार मेरी DSC थी, 8 दिन में मेरे पूरे पैसे निकाल दिए, पैसा निकालने के बाद में। तो आपको आपको शक कैसे हुआ उस पर? जिस पर मैंने ऐसा कर लिया साहब, मेरी DSC वापे थी, मैंने अगले आदमी से पूछी कि तेरे को यार मैंने पैसा कह रहा हो क्या, मेरे लिए 50,000 रुपये दे गया। कौन ने दिए 50,000? एक कोई आदमी था उसका बोर होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जाकर मैंने साहब उसकी बुक करी, तो मुझे बोलो भाई कहूँ आपको सी दही DSC कहूँ CP दही DSC कहूँ फोरी है साहब, पूरे पैसा निकाल लिए माना, इसके बाद कहीं के जाए खा लेने चले। कोई सुनवाई नहीं है आपकी कहीं पर? मेरी कोई सुनवाई नहीं है महाराज। तो अब आप क्या चाहते हो? अरे साहब मैं तो ये चाह रहा हूँ ना, मेरा होना कहा है, मेरे प्राण जा रहे हैं, नहीं मैं जहर खाकर मत जाऊँगा, मेरे पैसा नहीं, जमीन नहीं, जट्टो नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। जिसने मरवाया हूँ मैंने पैसा निकाला है तो साहब ठीक, वो बात ही नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ इन्हें। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं तो साहब यही चाह रहा हूँ, वो पैसा निकाला है वो जमा करते थे। मतलब द्वारा से आप जांच करवाना चाहते हो? हाँ जांच हो जाए, जिस काम की जांच हो जाए, पैसा निकाला है तो जांच हो जाए जगह। अगर इसमें आप फिर दोषी पाए गए तो? नहीं साहब मैं तो कहता भी दोषी नहीं है। और पाए गए, अगर जांच हुई हो दोषी पाए गए तो क्या होगा? मेरी किडनी बेचूंगा मैं तो शरीर की। मतलब आप दोषी नहीं हो, और जो उसमें अगर जांच में दोषी वो कोई नहीं, जांच अभी तक हुई नहीं, कभी किसी ने नहीं की थी? कोई ना किसी ने जांच नहीं करी, जिला पंचायत CO ने भी कागज भेजे थे, कोई जांच नहीं हुई? कोई जांच नहीं करी साहब, कबाब पे बाग है मेरी, पूरी जांच बंद कर दी।